मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी पार्टी के नेताओं के दबाव में हैं और आपसी कलह से इतने परेशान लगते हैं कि उसकी सारी खिजवे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निकालने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध की गई बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की ये भाषा साफ दिखलाती है कि वो अपने पार्टी के आंतरिक दबाव और कलह से परेशान हैं और खिज में विपक्ष पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस द्वारा उनको लिखे गए पत्रों से भी परेशान दिख रहे हैं और तर्कहीन बयानबाजी करके अपना उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्र कौन लिख रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या सुझाव दिए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सुझाव के भावार्थ को समझना चाहिए और उनका निरंकार करना चाहिए। अगर कोई साधारण नागरिक भी पत्र लिखता है और जनहित के अहम सुझाव देता है तो उसको महत्वपूर्ण मानकर मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उसको भी पूर्ण करें। दीपक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने दायित्व से भाग रहे हैं और केंद्र और संघ के चंद नेताओं की कठपुतली बनकर कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन न करके अपने पद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बारे में की गई बयानबाजी से साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की आंतरिक कला और आंतरिक जो दबाव है उसकी वजह से परेशान हैं और उस परेशानी में अपनी खींच जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर निकाल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले हैं जिनकी वजह से मुख्यमंत्री को ये खींच हो रही है। मुख्यमंत्री को ये भी आपत्ति है कि कांग्रेस के विभिन्न लोग जो हैं वो पत्र लिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पत्र कौन लिख रहा है ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो पत्र लिखे हैं उनकी विषय वस्तु अहम है, उसमें जो महत्वपूर्ण विषय लिखे गए हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। यह आवश्यक नहीं है कि नेता ही सिर्फ पत्र लिखें। एक साधारण व्यक्ति भी अगर पत्र लिखता है और उसके पत्र में कोई अहम विषय हैं तो उन विषयों के ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में जो नज़रिया रखते हैं वो आपका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व पे गर्व महसूस करती है। उनके जैसा अनुभवी, बुद्धिजीवी और एक लगनशील व्यक्ति जो है वो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, जिसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस गर्व करती है। आपको ये आपत्ति है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बातें क्यों उठाई कि प्रदेश में वर्तमान कोरोना के दौर में लचर व्यवस्था क्यों हुई। निसंदेह आप कहते हैं कि आधुनिक जो दौर है, ये दौर जो है इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, लेकिन इस दौर को जैसे पूरा हिंदुस्तान, पूरे प्रदेश की जनता याद रखेगी, ये भी याद रखेगी कि इस दौर में कितने लचर व्यवस्था वाले मुख्यमंत्री प्रदेश में थे, जो सिर्फ केंद्र की और संघ के नेताओं की कठपुतली बनकर जो है काम करते रहे और जो उनका दायित्व था उस दायित्व से पीछे हटते रहे। हमारा आपको यही सलाह है, यही नेक सलाह रहेगी कि आप प्रदेश को चलाने के बारे में शासन प्रशासन के ऊपर अपनी पकड़ बनाइए और कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी तरह की खींच निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस बात से विचलित हैं कि सैनिटाइजर का जो भ्रष्टाचार हुआ उसको कांग्रेस ने क्यों उजागर किया, अगर आप इस बात से विचलित हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मास्क की जो पीपीई किट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ बिलासपुर में उसका क्यों जिक्र किया, अगर आप इस बात से विचलित हैं कि जो शिमला में और बिलासपुर में दो लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद उनके जो शवों के साथ जिस तरह अमानवीय व्यवहार किया उसको कांग्रेस ने क्यों उठाया, तो ये कांग्रेस का दायित्व है। कांग्रेस अपने दायित्व को समझती है और अपने दायित्व को निभा रही है। उसके बारे में अगर आप कहें कि हम चुप रहें और हम बैठे रहें और हम सिर्फ स्तुति गान करें, वो संभव नहीं है। प्रदेश की जनता के प्रति हमारा जो दायित्व है, हम अपने दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे।
आप कृपया करके अपना जो दायित्व है उसमें शासन प्रशासन चलाने का जो दायित्व है, जो मुंह बाएं समस्याएं खड़ी हैं, आप उन समस्याओं के निराकरण की तरफ ध्यान दीजिए। इस तरह की हल्की बयानबाजी करके आप सिर्फ अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, ना ही हमें इससे कुछ लेना देना है।